आप सभी को न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं लकड़ी लाने के लिए, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो के फुल वॉच करें। देखें इधर मेला चल रहा है अभी। देखिए ये मेला से जो बैलून लाया है, जो अभी जला रहा है इसको बैलून को, और इधर देख सकते हैं यहाँ पे सभी को नींद आ रहा है। ये देखिए लगता है अभी रात है और सुबह का 9 बज गया है, सुबह का 9 बज चुका है और ये सब अभी सोए हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए सब सुसन ले झाक पोत के, ये देखिए झाक पोत के सभी सोया हुआ है। और हम अभी जाने वाले हैं लकड़ी लाने के लिए, और इधर भाई है जो कि अभी पानी भर रहा बोतल में, देख सकते हैं ये भी चलेगा साथ में। हम दोनों मिलकर आज लकड़ी लाने के लिए जा रहे हैं। तो देख लीजिए ये कुल्हाड़ी, देहाती कुल्हाड़ी है और इसी से काटेंगे लकड़ी। देखिए काको कत्ता। आप सभी लोग हमारे वीडियो में बने रहें। और बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, देख सकते हैं एकदम सुहाना सुहाना मौसम है। देख सकते हैं सभी खेत में काम कर रहे हैं। ये देखिए चंदन घर से निकलेगा अब। और देखिए इधर चंदन, ये देखिए कत्ता को तिजाने के लिए ग्राइंडर लगाया है और कत्ता को तेज कर रहा अभी। देख सकते हैं कत्ता को तेज किया जा रहा है कि लकड़ी काटने में आसान हो और लकड़ी जल्द से जल्द काटा जाए लकड़ी को। क्या चाचा जी का हाल चाल? हमारा वीडियो नहीं देखते हैं आप? हाँ यूट्यूब पे मेरा वीडियो आता है, देखा कीजिए। तो हम निकल रहे हैं अभी और उधर से देखिए चंदन भाई आ रहा है। चलो हो गया तैयारी, ये देखिए आ रहा है, कत्ता को तेज कर लिया है। हाँ हो गया है, तभी हम निकल रहे हैं। देखिए आ चुका है क्या रिशु बोस, वो देखिए ऊपर रिशु बोस थाली लिए हुए खाना खा रहा है। कैसे जी वाला लंगड़ा है क्या? नहीं ऐसे ही चलेंगे खेत खेत। इधर देखिए बकरी चाचा जी का है, दौड़ रहा है बकरी। यही बकरी हमारा सारा बगीचा को चढ़ गया। यह देखिए भोला बाबा का मंदिर है जो कि अभी आधा अधूरा मंदिर बना है अभी। नहीं रहने दो, चलो इधर देख सकते हैं धान गिर चुका है। तो मिशन चेंज हो चुका है, अभी हम खेत से जा रहे थे, अब हम रोड से जाएंगे क्योंकि खेत में अभी पानी सूखा नहीं है। अभी पूरा खेत में उधर पानी ही पानी है, रास्ता पूरा गीला है, इसीलिए मिशन चेंज कर दिया गया है। अब मिशन है कि अब रोड से जाना है बाय रोड लकड़ी लाने के लिए। तो देख सकते हैं मोटरसाइकिल निकाल लिया गया है, अब मोटरसाइकिल से अभी हम निकलने वाले हैं। बाइक लेकर के आ रहा पीछे से चंदन भाई और हम आगे रोड पे जा कर के रुकते हैं, बाइक का इंतज़ार करेंगे।
देख सकते हैं बाइक आ रहा है। चौक में डाले जी, हम बाइक पे बैठ चुके हैं, निकल रहे हैं। यह है विद्यालय। हमारा गांव का विद्यालय था, क्योंकि इसी विद्यालय में पांचवी तक पढ़ाई हमने पूरा किया। और यह माता रानी का मंदिर था। अब हम मेन रोड पे आ चुके हैं। तो अभी बाइक को हम रास्ते में ही उधर ही लगा करके इधर आ चुके हैं। बाइक को लाने के लिए इधर रास्ता नहीं था, तो बाइक को उधर ही छोड़ दिए। इधर रास्ता थोड़ा पतला है, इसलिए बाइक को इधर नहीं ला पाए। और अभी हम बगीचा पहुंच गए हैं, देख सकते हैं यह है बगीचा। और इसी बगीचे से हम लकड़ी ले जाने वाले हैं, आम का लकड़ी, देख सकते हैं आम का लकड़ी इसी बगीचे से ले जाएंगे। तो देख सकते हैं हम बगीचा आए हैं लकड़ी ले जाने के लिए, और हमसे पहले हमारा बगीचा से लकड़ी किसी ने तोड़ के और काट करके लेके चला गया। तो हमारा बगीचा का लकड़ी चोरी हो चुका है। अब कहाँ जाएं हम, किसका बगीचे में जाएं? दूसरा को बगीचे में जा करके हमें लकड़ी तोड़ना पसंद नहीं है। और हमारा बगीचा से खुद का लकड़ी चोरी हो गया। करे तो क्या करे। और हम अभी आए हैं लकड़ी तोड़ने के लिए, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इससे पहले भी और कोई लकड़ी तोड़ करके लेके चला गया है, जो कि कुछ भी थोड़ा सा भी लकड़ी दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो ढूंढते हैं लकड़ी, देखते हैं कितना हो पाता है, जितना होगा उतना ही ले जाएंगे। देखते हैं पेड़ पे चढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए डाल पर से पेड़ पे चढ़ा जा रहा है। देख सकते हैं बांदर की तरह किस तरह से पेड़ पे चढ़ रहा है। और सही में पेड़ पे चढ़ ही गया। हमें तो लग ही नहीं रहा था कि पेड़ पे चढ़ पाएगा, पर पेड़ पे चढ़ चुका है, देख सकते हैं। अब वो लकड़ी तोड़ेगा और नीचे हम जमा करेंगे लकड़ी। बिगदार कैच। अरे ऐसे नहीं बिगना, गंदा है सगरो, बिगा फेंकी मत करो। देख सकते हैं कत्ता दे दिए हैं, अब काटेगा लकड़ियां। बोल रहा मोटा जाते है, नहीं कटेगा। काटो काटो किसी तरह काटो। लकड़ी गिर चुका है, अब सभी को टुकड़ा करने वाले हैं। देख सकते हैं लकड़ी पूरा हो चुका है, देख सकते हैं टुकड़ा किया जा रहा है लकड़ी। सभी को टुकड़ा करके छोटा किया जाएगा, उसके बाद बांध लिया जाएगा। ऐसे ले जाने में नहीं बनेगा, इसीलिए सभी को छोटा छोटा किया जा रहा है। लकड़ी को बांध रहे हैं ले जाने के लिए। अब लकड़ी को बांध करके ले जाएंगे
लकड़ी काट लिए हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में करके बांध ले रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे घर की ओर। अब देखिए चंदन भाई माथा पे लकड़ी ले रहा है। अब निकल रहा है, देख सकते हैं घर की ओर। अब आगे से बाइक लगाए हुए हैं, आगे से बाइक लेंगे, उसके बाद चल चलेंगे। तो हम भी ले लिए हैं एक मोटरी। कत्ता इसी में है, कत्ता कुल्हाड़ी। देख सकते हैं इधर राही बहुत पतला था, इसीलिए बाइक इधर नहीं आ पाया, इसी कारण आगे ही बाइक को छोड़ना पड़ा। इधर बहुत ज़्यादा पतला है राही, राही पतला होने के कारण इधर बाइक नहीं ला पाए। लाते तो धान में ढूल जाता, इधर उधर दोनों तरफ धान ही धान है, तो बाइक को आगे यहीं पे लगा करके चल गए थे। तो देख सकते हैं बाइक के पास पहुँच चुके हैं, और ये इधर आगे निकल रहा है, आगे अलंग पे रुकेगा। तो आगे देखिए बोझरी पटक के लौट गया है, और चाबी उसी में है, चाबी उसी में छोड़ दिए, लकड़ी का बोझा रख करके चला गया बाइक लाने के लिए। तो देख सकते हैं लकड़ी के बोझा अलंग पे ला करके रख दिया है, और अभी बाइक लाने के लिए गया है। तो देख सकते हैं बाइक ले करके आ चुका है, यहाँ बाइक लग चुका है। देखिए बाइक पे लकड़ी को रख चुके हैं। पैर कुछ रुक जाना, बहुत दिक्कत हो रहा है बैठने में, गंदा कपड़ा। चलो तो देख सकते हैं फाइनली अब हम निकल चुके हैं, लकड़ी लेकर निकल चुके हैं फाइनली। रुक गया वहीं तक नहीं आता तो निकल जाता, एक नंबर में दो ना, निकल जाता है। पे बाइक चलाने में मजा ही कुछ और है, बहुत डर लगता है, इतना उछलाएगा सौकर सब लिखे। देख सकते हैं अब रोड पे आ गए हैं, आराम से आराम से आराम से, मोर है ठीक मोर है। तो देख सकते हैं अब घर पहुंचने वाले हैं। बहुत ही दिक्कत हुआ लाने में, चलो इधर उठ जा, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, चोट तो लग गई। हेलो चलो, देख सकते हैं फाइनली पहुंच चुके हैं अपना दूरा दलान, दलान पहुंच चुके हैं। अब बहुत दिक्कत हुआ लकड़ी लाने में, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, पूरा रास्ता में इधर उधर। तो आप सभी को लग रहा होगा कि किस लिए हम लकड़ी लाने के लिए गए थे बगीचा, और लकड़ी लाए हैं तो छठ पर्व नज़दीक आने वाला है, तो लकड़ी ला करके रख दिए हैं, और छठ पर्व के लिए लकड़ी हम लाए हैं। बोलिए जी, जो आज लकड़ी लेकर के आए हैं वो छठ पर्व के लिए है, वो छठ पर्व में उसी से प्रसाद बनता है। बोलिए, ये देखिए ये दरवाजा लगा हुआ है, तो अभी हम दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं हम कहाँ से होकर के आ गए, बगीचा से उतना सारा लकड़ी लेकर के आ गए हम लोग, और यहाँ दरवाजा नहीं खुल पा रहा है। देख सकते हैं
तो दरवाजा खुल चुका है, देख सकते हैं हम एंट्री कर चुके हैं प्रवेश। और इधर मैडम है जो कि शर्मा रही है, ये देखिए अभी स्नान की है, सुबह से हम बगीचा से हो आए, लकड़ी ले आए और यहाँ पे अभी स्नान भी की है, देख सकते हैं दत्त किशोरी कर रही है का वो बिटवा। और ये देखिए बिटिया रानी है जी, बोलो हाय कर दो, हाय कर दो, नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी, बोल दो हाय हाय बोलो। और ये देखिए बरस पूरा छिटले है, इसका ये रोजगार है, देख सकते हैं पूरा बरस छिड़ियाए हुए हैं, पूरा सगरदम इधर से उधर उधर से उधर पूरा काम बिगाड़े हुए है। इतना बदमाश है ये, बदमाश हो बेटा तुम, बदमाश हो जी हैं, अब बदमाश हैं, बदमाश हैं आप। देखिए देख रही है। बदमाश हो जी हैं, तो आप सभी से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।